नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। ग्रामवासियों ने डीएम से लगाई गुहार, गंगा नदी के कटान से संबंधित मामला। जनपद बलिया के बैरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत नौरंगा के ग्रामवासियों ने बलिया जिला अधिकारी रविंद्र कुमार को पत्रक सौंप न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामवासियों ने पत्रक में जिक्र किया कि गंगा नदी पर बने ठोकर 100 मीटर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते 150 घर गंगा नदी में समाहित होने की स्थिति में है, जिससे ग्रामीण के अंदर जान माल दोनों का खतरा बना हुआ है। उक्त ठोकर को मरम्मत कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी से निवेदन करते हुए कहा है कि क्षतिग्रस्त ठोकर का तत्काल मरम्मत कराकर गांव को बचाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें, ताकि समय रहते उक्त ठोकर का मरम्मत हो सके और ग्रामवासी प्राकृतिक आपदा से बच सके। मेरा नाम मिथिलेश ठाकुर है, ग्राम नौरंगा, विकासखंड बैरिया, जिला बलिया का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? मेरे ग्राम पंचायत में गंगा नदी से पिछले साल बाढ़ में पार्कोपाइन विधि द्वारा 2019 में मेरे गांव को बचाया गया था। 10 करोड़ के प्रोजेक्ट था वो, पिछले साल बाढ़ में 100 मीटर के लगभग कट गया है। उसके चलते गांव में 150 घर गंगा नदी में समाहित होने के कगार पर हो गया है। गांव में लोगों को जान माल का बहुत बड़ा खतरा है। अगर उसको मरम्मत बलिया प्रशासन द्वारा मरम्मत नहीं कराया गया तो गांव के लिए बहुत बड़ा खतरा। कितने लोग प्रभावित हो जाएंगे उससे? उससे 1000 लोग प्रभावित होंगे। जी। शिकायत आपने कहीं किया है? शिकायत बैरिया SDM के यहाँ किए हैं, बलिया DM साहब के पास किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री। कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? बलिया बैरिया SDM द्वारा मौके पर जा करके निरीक्षण किया गया है।